नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे घर पर ही बहुत अच्छी सी फेस क्रीम, जो हमारी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आने वाली है। स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको दूर करने वाली है। और ये क्रीम ऐसी है जिसको हर एक पर्सन यूज कर सकता है और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो झटपट से सीख लेते हैं कि किस तरीके से बनानी है ये क्रीम और इसमें क्या क्या चीजें करेंगे हम यूज। क्रीम को बनाने के लिए हम डायरेक्ट कंटेनर का ही यूज करेंगे, कोई अलग से चीजें नहीं लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यूज करेंगे ऑरेंज का, जो हमारी स्किन को फेयर करने का काम करेगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 स्पून ऑरेंज जूस के, 2 स्पून डाल दिए हैं। और साथ में इसमें हम एक ऐड कर देंगे विटामिन ई का कैप्सूल, जो हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। और साथ में कुछ ड्रॉप इसमें डालेंगे हम हमारा हीरो इंग्रेडिएंट जिसका नाम है हनी। और हनी हमारी स्किन को बहुत अच्छा सा शाइन करती है। थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा इसको, क्योंकि अब विंटर्स है तो ठीक हो गई है। तो थोड़े जैसे 5-6 ड्रॉप इसमें हमने ऐड कर दिए हैं हनी के। और हनी ये 3 चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले तो, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल। और 2 स्पून लिए हैं हमने एलोवेरा जेल के। तो ये चारों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स, जब तक ये प्रॉपर एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। और ये जो क्रीम है ये बहुत अच्छी क्रीम बनेगी, बहुत अच्छी आपकी, और इससे आपके स्किन में जो एक हाइड्रेशन है, जो सर्दियों में ड्राइनेस स्किन में आ जाती है, वो ड्राइनेस दूर हो जाएगी, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, आपका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होगा, क्योंकि अनइवन जो स्किन हो जाती है विंटर्स में वो नहीं होगी। स्किन में एक ग्लो बना रहेगा लगातार जब आप इसको यूज़ करोगे। और आप चाहें तो इसमें कुछ ड्रॉप आलमंड ऑयल के डाल सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किए हैं, मैंने ये 4 चीज़ें ही ऐड की है। तो इस वजह फ्रेंड्स इस तरीके से बन जाएगी ये आपकी बहुत ही बढ़िया जैसी घर की बनी हुई क्रीम, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और रात को आप लगाओ, इसमें हनी डला है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा मॉइस्चर देगी। और 1-2 घंटे बाद आप चाहो तो इसको वॉश भी कर सकते हो, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। ये आपकी स्किन पे सारी रात वर्क करेगी, आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगी, स्किन में रिंकल फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को दूर करेगी, सैगिंग दूर हो जाएगी, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी धीरे धीरे, रेगुलर जब आप यूज़ करोगे। आपका स्किन जो है वो इवन हो जाएगी, अगर कहीं पर पैचेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी जरूर इस क्रीम को ट्राई करो, बनाओ, यूज़ करो और विंटर्स में अपनी स्किन को बहुत 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 अच्छा बनाओ। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी एक और वीडियो में। तो बाय बाय।